ओके थैंक्स। सॉरी मैडम, आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। नहीं। हाँ नहीं। हाँ ये मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। मेरी जो पहली फ्लाइट थी वो मैंने मिस कर दी और जो दूसरी थी वो कैंसिल हो गई। मतलब मुझे पूरा वीकेंड यहाँ बिताना पड़ेगा और जो मेरे पैसे थे ना वो मैंने सारे शॉपिंग पे खर्च कर दिया। ये देखो। हेलो, मैं बिनी हूँ और चॉकलेट के 25 रुपए हुए। हाय, मैं मिनी। वन सेकेंड। सिर्फ 20 है, चलेगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एम्प्लॉय कोटा में डाल दूंगी। ओह थैंक यू। और ये कीचेन तुम्हारे लिए। थैंक यू फ्रेंड। एक मिनट, क्या ये जैकेट रोहित लाल का है? हाँ, मैं उनके लिए काम करती हूँ। तुम उसके लिए काम करती हो? वो मेरा फेवरेट डिजाइनर है। तुम कितनी लकी हो। दिन में 25 घंटे काम कराते हैं वो हमसे और पिछले साल से एक दिन छुट्टी भी नहीं दी है। लकी। Yes, शिल्पा जी, ऐसा करता हूँ कि अगले वीकेंड मैं आपकी भविष्यवाणी वर्कशॉप के लिए मेरा बॉल रूम बुक कर देता हूँ। थैंक यू मानसिंह। नहीं, मेरा भविष्य पढ़िए ना प्लीज। Oh. बस कर कबीर, तू सुबह से यही कर रहा है। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि तूने मॉम के बर्थडे गिफ्ट के पैसे खर्च कर दिए, वो भी वीडियो गेम पे। ठीक है ठीक है, अब हमारे पास पैसे नहीं है और कोई प्लान भी नहीं है। सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है और गिफ्ट के लिए पैसे नहीं है। तू जगह की टेंशन मत ले। सच? शिल्पा जी, आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया जो बिल्कुल ना खुश हो गया। क्या मानसिंह जी, हमारा भी दिल खुश कर दीजिए ना। ये लो 10 रुपए और जाकर आइसक्रीम खा लेना। थैंक यू मानसिंह जी, पर प्रॉब्लम कुछ और है। कल मॉम का बर्थडे है और आंटी मॉम हमारे लिए कितना कुछ करती है। हम भी उनसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उनके लिए कुछ स्पेशल करना चाहते हैं। मानसिंह जी, हम मॉम की बर्थडे पार्टी आपके बॉल रूम में कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मान सिंह, आप इन मासूम बच्चों को मना कैसे कर सकते हैं? ठीक है ठीक है। थैंक यू आंटी। चुपो बच्चों। मैंने ये देखा कि तुम दोनों में से कोई एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। करण, तेरी बात हो रही है। और तुम किसी चीख या घंटी की आवाज से दूर रहना। आप मुझे देख के क्यों बोल रही है? स्वेटर तुम ही ने पहन रखा है ना? हाँ। वाओ, ये तो बहुत अच्छा है। तुमने ये सारे के सारे खुद बनाए हैं? हाँ, यही तो मेरा काम है, दिन रात काम ही काम। चलो कुछ फोटोग्राफ्स ना गिफ्ट शॉप के पास खींचते हैं। ओ हाय बिनी, प्रिंसेस को डॉगी एरोबिक्स लेके जाने के लिए थैंक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे उसके ट्रेनर ने कहा है कि उसे डाइट कंट्रोल की जरूरत है, सो कल से नो चॉकलेट एंड नो बटर चिकन। अब वैसे रानी, ये मेरी दोस्त मिनी है। माय गॉड रानी ब्रो, तुम तो बिल्कुल अपनी जैसे ही दिखती हो। मिलता है मेरी तुम्हारी फोटोज। कहानी खत्म। को काट देना, हम यहीं पे हैं। वैसे प्रिंसेस के लिए एक बार फिर से थैंक्स। ओह वाओ, ओके, तुम और रानी ब्रॉय, रानी ब्रॉय और तुम एक दूसरे
दूसरे को जानते हो? जानते हैं? वो तो मेरी बहन की तरह है। एक मिनट, तो अगर शानी ने तुम्हारे डिजाइन किए हुए कपड़े पहन लिए तो? तुम एक्चुअली ये कर सकती हो? हाँ, मैं रानी से कुछ भी करवा सकती हूँ। पिनी पिनी पिनी, तुम ये जानती नहीं हो कि ये मेरे लिए कितनी बड़ी चीज होगी। मुझे प्रमोशन मिल जाएगा, फाइनली अपनी डेस्क के सामने एक चेयर, अपनी खुद की चेयर हो। पिनी 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 पिनी। बाल बाल बच्चे, करण आज तो मुझे ऐसा लगा कि इस होटल के दर्शन फिर कभी नहीं करने मिलेंगे। मानसिंह जी, यार उस लॉबी वाली डरावनी आंटी ने एकदम सही कहा था। पहले उस कुल्फी वाले ने घंटी बजाई, फिर वो राजेश चीखा, और फिर उन गली के डॉगीज ने हमें इधर तक भगाया। वीर, एक बात बताओ। हाँ। वो राजेश नहीं था, मैंने चीखा था। यो तो ऐसा। एक मिनट, मुझे एक भविष्यवाणी हो रही है। क्या? तुमने जो 50 रुपए अपने ड्रॉअर में छुपाए थे ना? हाँ। उसे कोई अभी निकाल रहा है। कौन? मैं। करण, तू? रानी, पूरे राजमहल में इतने कमरे नहीं है जितने तुम्हारे स्वीट में है। मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गई। कोई बात नहीं, यहाँ का मैप टेबल पे है। मैप? मुझे शूवल से लेफ्ट लेना था, मैंने राइट ले लिया, तभी तो मैं उस बैग बगीचे में पहुंच गई। मैं कैसी लग रही हूँ? टॉप अच्छा है, लेकिन तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, अपने आईने से पूछ रही हूँ। मेरी नजर ना लगे, टोटल हूर की पड़ी। तुम्हारा आईना बोलता है? हाँ, मेरे डैडी के साइंटिस्ट ने ना, साइंटिस्ट, उन्होंने मेरे लिए खास बनाया है। इसमें अपनी खूबसूरती देख सकती हूँ और उसके बारे में सुन भी सकती हूँ। ये मिरर। ओह, मुझे भी ट्राई करना है। ओके ओके, तो मैं कैसी लग रही हूँ? छी। मेरी, उसके सामने से हट जाओ, इसके पहले वो टूट जाए। रानी, वैसे तुम इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन तुम्हें पता है तुम कौन सी ड्रेस में और भी अच्छी लगोगी? ये वाली, मेरी फ्रेंड मिनी मल्होत्रा ने खुद डिजाइन किया है। मिनी? कौन मिनी? बहुत अच्छी डिजाइनर है। अभी देख लेते हैं। ये ड्रेस कैसी है? अच्छी। अच्छी का अगर आ निकाल दो तो छी छी छी। बंद करो अपना ये मुंह या फिर जो भी है। छी। शानी, पहन लो ना प्लीज, मैंने मिनी से प्रॉमिस किया है। तो प्रॉमिस तोड़ दो। मैं किसी मिनी डिजाइनर के कपड़े नहीं पहनती मिनी। ठीक है, लेकिन तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। और तुम भी बहुत बड़ी गलती कर रही हो। वो रास्ता ना हैट वर्ल्ड की तरफ जाता है। सॉरी, तुम दोनों ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? तुम्हारे लायक इसमें कुछ नहीं है। जैसे तुलके, चुप। सॉरी सर, सॉरी मैम। कैसे तमीज से बात किया करो। और ये तुम कूड़ा लॉबी में क्यों लेकर आ रहे हो? मानसिंह जी, ये कूड़ा नहीं है, ये प्रीति जी का बर्थडे गिफ्ट है। बिना मतलब है, जब मैं इन पार्ट्स को फिक्स करूंगा उसके बाद ये प्रीति जी का बर्थडे गिफ्ट बन जाएगा, लेकिन तब तक आप उन्हें प्लीज बताइएगा नहीं, मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। ठीक है, ये तुम कहाँ प्लीज प्रीति जी का बर्थडे गिफ्ट, साइड प्लीज प्रीति जी का बर्थडे गिफ्ट। यो 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 मम्मी, अब सुनिए बर्थडे का पैगाम, क्योंकि फ्रूट सलाद में होता है आम, पर आपकी उम्र हो गई है ज्यादा, 20 होता है 40 का आधा, पर फिर भी हो अब सबसे कूल, मुझे अच्छा लगता है बैंकिंग स्कूल। हम चाहते हैं आपका बर्थडे हो हैप्पी, क्योंकि आपने चेंज किया हमारी नैपी। अब टाइम हो गया है पार्टी करने का, वाटर बलून्स में पानी भरने का, आज शाम का केक है यमी, इसलिए हैप्पी बर्थडे आपको मम्मी। यो
आपको लगता है मॉम को हमारा बर्थडे गिफ्ट सॉन्ग पसंद आएगा? तुम दोनों की कड़की चल रही है ना? मिल गया, मिल गया। पासिंग द पार्सल के लिए स्टफ टाइम मिल गया। वाह जंग बहादुर, अब तो डबल मजा आएगा। हम आ गए हैं प्रीति जी की बर्थडे पार्टी के लिए, हम तैयार हैं। ये देखिए हमने नया क्या सीखा। Brilliant toolkit. Thank you. ये चीका। कबीर तू डर मत, ये सिर्फ चीका है, घंटी की आवाज अब तक नहीं आई है। बस अब मैं यहाँ से कहीं दूर भाग रहा हूँ। कबीर कहाँ जा रहे? मॉम के प्रेजेंट का क्या होगा? हम दोनों साथ में गाने वाले थे। अच्छा। सॉरी करण, तुझे आज सोलो ही गाना पड़ेगा। पर कबीर पहुंच गए। देखा, मैंने कहा था ना बैग बागीचा से दूसरा ले। अगर हम तुम्हारी बात सुनते ना तो अभी भी उस हेयर बैंड हवेली में भटक रहे होते। श्रुति मेहता वाली ड्रेस कहाँ है? मैंने यहाँ रखी थी। मुझे सिर्फ इसका टैग निकाल के मिनी के ड्रेस पे लगाना है। हाय, ये ड्रेस कितनी सुंदर है, रानी जी को पसंद क्यों नहीं आती? क्योंकि ये मुझे पसंद है और रानी को कुछ भी नहीं पता। मुझे डर लग रहा है अगर रानी जी आ गई तो। वो शॉपिंग करने दुबई गई है, हमारे पास टाइम ही टाइम है। डैडी मेरा ट्रिप कैंसिल हो गया, अब मैं मैचिंग नेल पॉलिश कहाँ से लाऊंगी? मुझे नहीं पता था दुबई इतना पास है। चुप जाओ। मैं अगले हफ्ते जरूर जाऊंगी। ओके चलो, ये लहंगा ले, इसे शॉर्टकट मारो। कबीर मैं यहाँ हूँ। कबीर तुम यहाँ चोरों की तरह क्यों छुपे हो? मॉम वो लॉबी वाली डरावनी आंटी ने मुझे कहा कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, मुझे चीख और घंटी की आवाज से दूर रहना चाहिए। कबीर पता है मेरी भी एक फ्रेंड थी जो इन वहमी बातों में विश्वास किया करती थी। थी मतलब? मतलब उसके पास एक लकी बेल्ट थी, वो उस बेल्ट को हमेशा पहनती। फिर पता है एक दिन वो बेल्ट पहनना भूल गई। पता है उस दिन क्या हुआ? उसकी पैंट गिर गई। नहीं वो बस से गिर गई। नहीं नहीं नहीं, पर देखो बात ये है कि उसे बिल्कुल भी चोट नहीं आई। थैंक्स मॉम, बहुत अच्छी कहानी थी। अब मैं उस सोफे के पीछे फिर से छुपने जा रहा हूँ और इस बार मैं अपने आप को एक मोटी चादर में ढक दूंगा। कबीर पिता अगर तुम डिसाइड कर लोगे कि तुम्हारे साथ बुरा ही होने वाला है फिर तुम हर चीज से डरोगे। क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी छुप कर बिताने वाले हो? मॉम आपके लिए ये कहना इजी है क्योंकि आपकी तो आधे से भी ज्यादा जिंदगी बीत चुकी है। हाँ कहती थी ये बच्चे तेरी जिंदगी में खुशियां ले आएंगे। चलो अब तैयार हो जाओ काम के लिए, अपने बर्थडे वाले दिन। कबीर कहाँ है तू? ये दे आराम। यार ये तो हद हो गई, मॉम की सरप्राइज बर्थडे पार्टी 20 मिनट में स्टार्ट हो रही है और तुझे वहां मॉम से पहले पहुंचना चाहिए। नहीं नहीं मैं नहीं जा सकता। वो आंटी ने क्या कहा था, जो लड़का स्वेटर पहनेगा उसके साथ ही बुरा होगा ना? हाँ तो फिर मैं तेरा स्वेटर पहन लेता हूँ, तू मेरी टी शर्ट पहन ले। नहीं नहीं इससे अच्छा तो मैं ये स्वेटर पहन लूँ। सोच ले, वैसे मैं अपनी टी शर्ट किसी को नहीं देता। नहीं क्या हुआ, मैं अब तेरी तरह गोजू दिखता हूँ। एक सेकंड के लिए यहां उंगली रखना। बेटा कबीर ठंडी लग रही है। नहीं टूलकिट, किसी को फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में पता चल सकता है क्या? नहीं सब बकवास है। एक बार एक ज्योतिष ने मेरा हाथ पढ़ा था, उसने मुझसे कहा कि मैं अपनी पूरी जिंदगी होटलों में रहूंगा, मेरे बिना कोई काम नहीं हो पाएगा।
और मैं एक ऐसी चीज बनाऊंगा जिसे किसी ने कभी भी नहीं देखा हो। इसमें से एक भी चीज नहीं होगी। एक भी नहीं। वीर अब तो रिलैक्स कर। रिलैक्स रिलैक्स, तू रिलैक्स करने की बात कर रहा है? यहाँ दो जन को ऑलरेडी जुकाम है और गंडी कभी भी बच सकती है। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। सबके सब जल्दी से छुप जाओ। छुप जाओ, छुप जाओ। वाओ, मैंने कभी भी किसी भी होटल में ऐसी सर्विस नहीं देखी है। हे, मुझे भी इस होटल में रहने का कोई शौक नहीं। ओके, मैं तो सिर्फ अपनी दिल्ली की फ्लाइट का वेट कर रही हूँ। बिनी, रानी ने मेरी ड्रेसेस देखी क्या? देखी ना, और उसे बहुत पसंद आई। और जैसे ही उसकी फोटोज मैगजीन में छपेंगी, मैं सबसे पहले तुम्हें फोन करूंगी। वैसे रानी है कहाँ? मुझे ये उसे ये ड्रेसेस दिखानी है। अब नहीं नहीं, वो बिजी है, पर मैं उसे तुम्हें तुम्हारा मैसेज पहुंचा दूंगी। प्रीति जी आ रही है, सब लोग फिर से चुप जाओ। पहली बार आए हो क्या? जो गेस्ट है उसको नहीं, जिसका बर्थडे होता है उसको विश करते। अरे यहाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं, हम प्रीति जी के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी। प्रीति जी सरप्राइज। प्रीति नहीं, देखो प्रीति जी, अब आप रोना शुरू मत कर दीजिएगा। अगर आपने रोना शुरू कर दिया तो मुझे भी रोना आ जाएगा, अगर मुझे रोना आया तो सबको रोना आएगा। और बहादुर चुप चुप चुप, प्रीति नहीं कुछ नहीं हुआ, चुप हो जाओ। देखो सब ठीक है प्रीति, प्लीज। हम तो बस आपको मजाक में बूढ़ा बुला रहे थे ताकि आपको पता ना चले कि हमने आपके लिए ये पार्टी रखी है, और आपके इस सरप्राइज पार्टी का सरप्राइज और भी बड़ा हो जाए और आपको बहुत मजा आए। क्यों, आपको मजा आया ना? Everyone. Oh, how sweet. आप लोगों ने इस पर मेरी एज लिख दी है। वैसे केक तो बहुत टेस्टी है। प्रीति जी, मैंने आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट बनाया है। Oh, इसकी क्या जरूरत थी? आपको बहुत पसंद आएगा। ये कितना ये क्या है? इंटरनेट, ये है रोबोट बाई। रोबोट बाई? हाँ, आज से आपका सारा काम रोबोट बाई करेगी। बर्तन मांजना, कपड़े धोना, घर साफ रखना, सब कुछ रोबोट बाई करेगी। टूल के तुम शायद भूल गए हो कि हम सब एक होटल में रहते हैं जहाँ ये सारे काम करने के लिए लोग ऑलरेडी मौजूद हैं। एनीवे, थैंक यू। मेंशन नॉट। ये बच्चों के साथ हाइड एंड सीक भी खेलती है। गुड गर्ल, आगे मत आना। करण, तू तो एकदम सही कहता था, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं थी। मिनी, तुम ठीक तो हो? ड्रेसेस खराब हो गई हैं। कम से कम ये तो बची है। रानी को ये पसंद आएगी ना? आएगी ना रानी को ये पसंद? हाँ, लेकिन तुम्हें रानी यहाँ पर नहीं मिलेगी,
वो राजमहल में कभी दिखती नहीं है। मेरी होम में नहीं है, रानी ने मेरी ड्रेस पहनी है। थैंक यू अब तुम्हें चेयर पक्की, मेरी चेयर पक्की। रानी जी, हमारे रीडर्स ये जानना चाहते हैं कि आपने ये ड्रेस किस डिजाइनर की पहनी है। ओ, ये ड्रेस तो खास मेरे लिए मिनी मल्होत्रा ने बनाई है, जो कि मैं हूँ। हाय करो। एक मिनट, ये ड्रेस तो फिर तुम मेहता ने डिजाइन की है। हाँ, मैं तुम्हें लेबल भी दिखा सकती हूँ। तुम मेहता की तो मैं ओके ओके, ये तो बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, थोड़ी देर के बाद हम इस पर हंस रहे होंगे, है ना? है ना? बिनी, ये फनी नहीं है, इसमें तुम्हारा कोई हाथ है क्या? ओके, आई एम सॉरी, लेकिन रानी सिर्फ फेमस डिजाइनर्स के कपड़े पहनती है, इसलिए मैंने किसी और का लेबल तुम्हारी ड्रेस पर लगा दिया। और तुम्हें लगा कि किसी को पता नहीं चलेगा? पर मैं तो सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती थी। एक मिनट, यानी कि मैंने जो ड्रेस पहनी है वो किसी बड़े डिजाइनर ने नहीं, एक मिनी डिजाइनर ने बनाई है। मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ? मैं तो डायपर्स में डिजाइनर पहनती थी। हेलो, तो ये मेरी कुछ बेस्ट ड्रेसेस हैं, ये वाली कैसी है? ओके टाइप्स। ये वाली? अच्छा, और ये वाली? इस ड्रेस में कितनी मोटी लगूंगी? और तुम इस फ्रेम में मोटे लगते हो। वैसे तुम्हारे हील्स काफी ठीक ठाक है। सच? एक्चुअली नहीं। तुमसे अच्छा तो वो जूते जंक्शन वाला आईना है। और सुनो, जिस आंटी के कपड़े चुरा के लाई हो उन्हें वापस देना मत भूलना। Thank you.